नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव मनाया गया। जैसा कि विदित है 18 जून को विद्यालय प्रारंभ होने के सब प्रवेश उत्सव मनाने के निर्देश थे। इसी कड़ी में सभी विद्यालयों के साथ साथ उत्कृष्ट विद्यालय नीमच में भी प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय नीमच में विद्यार्थियों और पालकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, तिलक लगाकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्राचार्य अनिल व्यास ने बताया कि प्रवेश उत्सव के साथ ही शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई है। इस अवसर पर वार्ड नंबर 11 के पार्षद भारत अहिर भी मौजूद रहे। बताते चले कि आज से नवीन सत्र की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार आज से विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालय नीमच में आज प्रवेशोत्सव मनाया गया। शासन के निर्देश थे कि 18 जून को जब बच्चे विद्यालय में पहली बार प्रवेश लें तो उनका स्वागत किया जाए। जो भी पालक विद्यालय बच्चों को भर्ती करवाते हैं उनका स्वागत किया जाए। तो हमने उसी कड़ी के अंतर्गत आज विद्यालय में जो पालक और बच्चे उपलब्ध थे उपस्थित हुए थे, हमने उनको यहाँ पर एकत्रित किया है, बच्चों को फूल हार से स्वागत किया है, तिलक लगाया है और शासन के द्वारा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं उन बच्चों को हमने उपलब्ध करवाई है। हमारा आज से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, टाइम टेबल बन चुका है और नियमित कक्षाएं हम संचालित करेंगे। बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए संकल्पित रहेंगे और पूरे सत्र में हम लोग मेहनत करके बच्चों के भविष्य को बनाने के प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज स्कूल चलो अभियान और प्रवेश उत्सव 2024 का आगाज हुआ है। आज उत्कर्ष स्कूल नीमच में यह कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों को उत्साहवर्धन और माला और तिलक लगा कर और माला पहनाकर उनको किताबें वितरित की गई ताकि उनका शिक्षा में बहुत अच्छा पढ़ाई कर सके और नियमित स्कूल आए। सभी प्राचार्यगण, सभी अतिथिगण, सब पालकगण और सभी बच्चे उपस्थित थे। हम बच्चों से, अभिभावक से प्रार्थना करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप नियमित बच्चों के यहाँ पहुँचाइए। तो शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। बिना शिक्षा के जीवन बेकार है।